Dear students, I am your English teacher. Today we are going to read 7th lesson of 2nd class. The lesson name is Cricket for the Crocodile. Just ke aap jante ho jo title hai. It is a story about some children who played in garden which is near the river and a crocodile which lived in this river. So let's start. Ranji meet his friends and teammates in the park. रंजी अपने फ्रेंडों से और जो टीम के साथी थे उनसे एक पार्क में मिला. द ग्रास वॉज स्टिल वेट विद ड्यू. ड्यू मीन्स ओस और वेट मीन्स गिल्ला. तो जो उस ग्राउंड का ग्रास था जो वो गिल्ला था ओस की वजह से. द सन ओनली जस्ट राइजिंग बिहाइंड द डिस्टेंस हिल्स. डिस्टेंस मीन्स दूर, हिल मीन्स पहाड़ियाँ, बिहाइंड मीन्स पीछे. जो सन था वो पीछे की पहाड़ियों से राइज होता था, उदय होता था. द पार्क वॉज फुल ऑफ फ्लावर बर्ड्स एंड स्विंग्स एंड स्लाइड्स ऑफ स्मॉलर चिल्ड्रन. जो उनका पार्क था वो फूलों से, फूल की कलियों से और जो स्लाइड्स होती हैं, फिसलन थी, उन चीज़ों से सभी से वो भरा हुआ था छोटे बच्चों के लिए. द बॉयज़ वुड हैव टू प्ले ऑन द रिवर बैंक अगेंस्ट देयर रिवल्स. रिवल्स मीन्स प्रतिद्वंदी. जैसे टीम में दो टाइप से वो होते हैं, प्लेयर होते हैं दोनों साइड से. तो वो जो टीम है उनकी एक ही साइड की है. तो बच्चे मैच खेलते हैं रिवर के पास, लेकिन एक ही साइड की टीम उनकी होती है. रंजी डिड नॉट हैव अ फुल टीम. रंजी के पास फुल टीम नहीं थी दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग को. बट ही वॉज लुकिंग फॉर अ फ्रेंडली मैच. तो इसलिए वो एक फ्रेंडली सा मैच वहाँ पे प्ले करते हैं. द रियली इम्पोर्टेंट गेम वुड बी हेल्ड द फॉलोइंग संडे. तो बच्चों देखो, जैसे इसमें दो टीमें मैच खेलती हैं क्रिकेट में, आपने देखा होगा. लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक टाइप की ही टीम है और वो ही अपना जो मैच है बिल्कुल अच्छे वाला मैच वहाँ पे प्ले करते हैं. नेक्स्ट पैसेज. द विलेज टीम वॉज क्वाइट गुड बिकॉज द बॉयज़ लिव्ड नियर ईच अदर. तो जो टीम थी उनकी बहुत अच्छी थी, साथ थे वो. बिकॉज इसका रीज़न क्या था कि वो एक दूसरे के पास ही रहते थे और एक दूसरे से अच्छी तरह से जान पहचान थी. एंड प्रैक्टिसाइज अलोट टुगेदर. और प्रैक्टिस भी वो इकट्ठे ही करते थे. वेयर एज रंजीज टीम वॉज ड्रॉन ऑल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द टाउन. और जो रंजी की टीम थी वो हर जगह से जो प्लेयर थे उनसे वो बनाई हुई थी. देर आर द बेकर्स बॉय नाथू. जो बेकर का बॉय नाथू था वो था इसमें. द टेलर सन सुरेंद्र, सुंदर टेलर का सुंदर लड़का जिसका नाम सुंदर था. द पोस्ट मास्टर सन प्रेम एंड द बैंक मैनेजर सन अनिल. तो सभी के एक एक लड़के यहाँ थे. दीज वर सम ऑफ द बेटर प्लेयर्स. और ये जो बच्चे थे जैसे नाथू है, सुंदर है, प्रेम और अनिल, जो कि बेस्ट प्लेयर थे. समटाइम्स देयर फादर्स ऑल्सो टर्न अप फॉर अ गेम. तो कई बार क्या होता था कि इनके जो फादर थे, टर्न्स अप मीन्स अपियर होना, तो इनके फादर थे वो भी मैच में अपियर्स होते थे. द फादर्स वर नॉट वेरी गुड बट यू कुड नॉट टेल देम दैट. वो खेलने में अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी वो आते थे वहाँ पे. आफ्टर ऑल दे हेल्प टू प्रोवाइड बैट्स एंड बॉल्स एंड पॉकेट मनी. तो वहाँ बच्चों को क्या प्रोवाइड करते थे, बैट देते थे, बॉल्स देते थे एंड पॉकेट मनी भी उनको देते थे. अ रेगुलर स्पेक्टेटर्स एट दिस मैचेस वॉज नाकू द क्रोकोडाइल. और वहाँ पे स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक. तो जो उनका रोज़ का एक रेगुलर दर्शक था वहाँ पे एक क्रोकोडाइल था जिसका नाम नाकू था. हु लिव्ड इन द रिवर. जो कि वहाँ पे जो पास में वो जो रिवर थी, जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा, तो वहाँ पर वो पिक्चर में रहता था. नाकू मीन्स नोजी, यानी कि नोज वाला. बट द विलेज बॉयज़ वर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड कॉल्ड हिम नाकोजी, नाको सर. बट जो गांव के बच्चे थे वो उसको नाकोजी और नाको सर कह के बुलाते थे. ही हैड अ लॉन्ग स्नाउट, रोज ऑफ अगली लुकिंग टीथ. तो जो नाको था उसकी स्नाउट मीन थूथन, उसकी एक लॉन्ग सी थूथन थी और जो उसकी लुकिंग थी वो अच्छी नहीं थी. एंड अ पावरफुल स्केली टेल. स्केली मीन्स परतदार. और जो उसकी टेल थी वो परतदार थी, जैसे परत पे परत रख के वो बनाई गई हो. सो बच्चों, टुडे वी रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस लेसन प्रॉपरली. सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.